शिमला जिले के सबसे पुराने स्कूल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। रामपुर मुखिया बाजार स्थित इस केंद्र प्राथमिक पाठशाला ने हालांकि सीमित संसाधनों के बावजूद भी निजी स्कूलों से छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि अब तक निजी स्कूलों को छोड़कर 100 से अधिक छात्र इस सरकारी स्कूल में दाखिला ले चुके हैं। अब हालात ऐसे हैं कि ना तो छात्रों को सुबह से ही सभा में खड़ा करने के लिए स्थान है और ना ही कक्षाओं के लिए कमरे हैं। ब्रिटिश हुकूमत काल के शिमला जिले के सबसे पुराने स्कूल की सुध लेने वाला कोई नहीं है। रामपुर मुखिया बाजार स्थित इस केंद्र प्राथमिक पाठशाला ने हालांकि सीमित संसाधनों के बावजूद भी निजी स्कूलों से छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि अब तक निजी नामी स्कूलों को छोड़ 100 से ज़्यादा छात्र इस सरकारी स्कूल में दाखिला ले चुके हैं। अब हालात ऐसे हैं कि ना तो छात्रों को सुबह की सभा में खड़े करने के लिए स्थान है और ना ही कक्षाओं के लिए कमरे। अभिभावकों ने ये समझकर स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाने शुरू किए कि स्कूल महत्वपूर्ण स्थान पर है, सुविधाएँ भी उच्च दर्जे की होंगी। स्कूल में नर्सरी से पाँचवीं तक करीब 350 बच्चे हैं। ऐसे में छात्र आसानी से लिख पढ़ नहीं पाते हैं। स्कूल में जलवाहक न होने से नर्सरी और अन्य छोटे बच्चों को पानी पिलाना भी मुश्किल हो गया है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्रयास तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं। कमल ने बताया कि सरकार की ओर से बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जोर दिया जा रहा है। उन्होंने निजी स्कूलों से बच्चे यहाँ लाए हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में ज्यादा सुविधाएं हैं। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल से उन्होंने प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में डाले, जहाँ सरकार ने बोला कि अच्छी व्यवस्था दे, तो यहाँ पर आकर देखा तो एक तो ना बच्चों को बैठने के लिए ना ग्राउंड खेलने के लिए, साथ में ना टीचर है। अब हम कहाँ जाए बच्चों को लेकर। अब प्राइवेट स्कूल से सरकारी में डाल दिया, अब सरकारी स्कूल में समस्या है तो क्या करें। SMC प्रधान ने बताया कि बच्चों को बैठने के लिए स्थान नहीं है, फर्नीचर की कमी है, वहीं जलवाहक का पद भी पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द तमाम सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध करवाई जाएं। सुरेश कुमार, मेरी मांग यही है स्कूल सरकार से कि भी पिछली वर्ष हमारी स्ट्रेंथ इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अध्यापकों की कमी हो चुकी है, हमारे पास वाटर कैरियर नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, शौचालयों का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, बच्चों के लिए जो अन्य सामान आना चाहिए फर्नीचर नहीं है, जिससे कि हमें डर है कि भाई इस वर्ष कहीं पढ़ाई पर बच्चों के असर ना पड़े स्टाफ की कमी से। सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे और जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश करे। केंद्रीय मुख्य अध्यापक बहादुर लाल ने बताया कि इस स्कूल की स्थापना 1929 में हुई है। उन्होंने बताया कि बच्चों की संख्या 312 है, लेकिन बैठने व मैदान की कमी है, साथ ही शिक्षकों की भी यहां पे कमी है। वहीं छात्रों ने बताया कि सुबह की सभा में खड़े होना मैदान में मुश्किल हो जाता है, कक्षा में बैठने के लिए भी स्थान नहीं मिलता है। चलो, मेरा नाम स्वाली जोशी है, मैं रात के केंद्र प्राथमिक पाठशाला में पढ़ती हूँ। मैं 5वीं कक्षा की छात्रा, मैं स्कूल में सिर्फ एक स्मार्ट क्लास है और बाकी के बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए हम बाकी कक्षाओं को भी स्मार्ट बनाना चाहते हैं ताकि वह अच्छे से पढ़ सके। चलो, मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला का छात्र 3 कक्षा में पढ़ता हूँ। जब हम मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं तब हमें बहुत तंग होता है, हम एक डेस्क पर 3-4 बैठते हैं जिसे हम ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। क्या नाम है आपका? सुशांत। मेरा नाम चारकृति शर्मा है, मैं राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला रामपुर मुखिया कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मेरी पाठशाला में एक ही स्मार्ट क्लास है। मैं चाहती हूँ मेरी पाठशाला में पूरी कक्षाओं में स्मार्ट क्लासरूम बने। केंद्र प्राथमिक पाठशाला रामपुर मुखिया में पढ़ता हूँ। जब हम मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं तब हमें बहुत दिक्कत आती है, वहाँ ग्राउंड भी बहुत छोटा है। जब हम अपनी क्लास में वापस जाते हैं तो हमें वहाँ भी जगह नहीं मिलती, वहाँ हम
ना तो लिख पाते हैं ना तो पढ़ पाते हैं। ठीक है।